आज के दिन की उक्ति हरिनाम की महिमा पर, जो कि हरिनाम चिंतामणि के अध्याय 2 श्लोक संख्या 34 से ली गई है। नाम सम वस्तु नाए भव संसारे, नाम से परम धना कृष्ण र भंडारे। इस जगत, इस भौतिक जगत में श्री हरिनाम के समान कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। कृष्ण के रत्न भंडार में नाम ही परम धन है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो भंडार है, खजाना है, उसमें सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु है भगवान श्री कृष्ण का नाम। और जो सबसे मूल्यवान वस्तु होती है उसको व्यक्ति कहाँ रखता है? तिजोरी के अंदर। और एक लॉक दूसरा लॉक अच्छे से अंदर रखता है ताकि उस खजाने तक कोई भी ऐसा वैसा नत्थु खहरा पहुँच ना सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ना, जो मालिक होता है, मान लो उसने दारू पी हुई है, तो उसको इतना होश नहीं रहता उसको, तो क्या करता है, तिजोरी खोल देता है, कहता है ले लो ले लो ले लो, इसको मेरा पैसा लेना है, ले लो ले लो। दारू भी उसने दारू में धुता है वो, तो जो वो चीज़ सबसे ज़्यादा छुपा छुपा कर उसने रखी थी, वो दारू के नशे में क्या करता है, वो बांट देता है वो। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जब वो धुत हुए, किसमें? श्रीमती राधा रानी के प्रेम में जो धुत हुए और आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वही तिजोरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान गहना था, रत्न था, उनका नाम उन्होंने खोल दिया। कहते ले लो ले लो ले लो, ये कृष्ण का नाम ले लो सब ले लो, मैं अकेले नहीं बांट पाऊंगा, मुझे औरों को भी ज़रूरत है, आ जाओ तुम भी बांटो, आ जाओ। तिजोरी मैंने खोल दिया, ले लो बांटो बांटो बांटो। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आकर के, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही हैं, तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम में जो वो धुत हो गए, पूरी तरह से इंटॉक्सिकेटेड विद द डिवाइन लव, श्रीमती राधा रानी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट ट्रेजर विच इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, एंड दैट इज टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम सब वैष्णव भक्त जन कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष समान है, कृपा के समुद्र हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हम सब मिलकर के ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।